Hi, this is Tapsee Pannu and you're watching me on indianexpress.com. Please like, share and subscribe the channel. Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. So here goes legal rights of a wife in India. Domestic Violence Act 2005, which बेसिकली टेल्स यू कि अगर आपके साथ फिजिकल या इमोशनल अब्यूज हुआ है ऑफ एनी फॉर्म बाय द पार्टनर और एनीवन इन द फैमिली, आप एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं, तो वो केस चलेगा. तो यू हैव दैट राइट टू गो एंड फाइल द पिटिशन. राइट्स टू स्त्रीधन. सो जो आपको गिफ्ट्स मिलते हैं जब अ वुमन गेट्स मैरिड, इट्स नॉट like it is counted in dowry. It's the gifts that is given you voluntarily by the family, by your family. So you have rights to use them and you have full rights to use them the way you want after you get married. Next is right to residence. So basically aapke paas full right hai ki aap apne husband ke ghar mein jahan wo reh rahe hain aap wahan rahein. वो रेंटेड हाउस भी हो सकता है, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, वो मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी जहाँ पे आपका हस्बैंड आपके हस्बैंड रह रहे हैं, आपके पास भी उतना ही राइट है कि आप उस घर में रहें. नेक्स्ट इज राइट टू कमिटेड रिलेशनशिप. ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आता है जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आप पे चीट कर रहे हैं, आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं. बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू नॉट सपोज टू हैव एनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हैव एनी अदर वाइफ आउटसाइड वन मैरिज. सो या यू कैन फाइल अ केस देयर. नेक्स्ट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. या इट्स योर राइट. आई डोंट नो, आई फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग कि ये हमें बताना पड़ रहा है कि आप डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने हस्बैंड के साथ, उनके इन लॉज के साथ रह सकते हैं. आपके पास पूरा हक है अपनी रिस्पेक्ट इंटैक्ट करने रखने का. मतलब दिस इज अ राइट दैट आई एम टेलिंग यू. इट्स आई जस्ट होप यू ऑल टोल्ड मी एंड से दैट ऑफकोर्स वी नो दैट. प्लीज आई होप दैट हैपन्स. हाँ, तो दिस इज़ इन योर हैंड एंड यू हैव इफ यू आर बीइंग टॉर्चर्ड और एनी काइंड ऑफ अ मेंटल अब्यूज इज हैपनिंग गोइंग अगेंस्ट योर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन गो फाइल अ केस.